V3 बोस ने बोला 5 के कमेंट चाहिए तो दोस्त वगैरह आए हुए हैं, ये देख लो पहले जम्मू में सबसे पहले ही बाइक देखी मैंने। आ जाओ भाई आ जाओ। गाइस देखो क्या हाल कर दिया यार। गाइस आज वो दिन है जब आपको आपकी KTM मॉडिफाई देखने को मिल जाएगी, तो पहले करते हैं इंट्रो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा DC। तो गाइस मेरे पास अभी RS है, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास। तो बाइक एकदम रेडी हो चुकी है, तो आज सिर्फ मैंने आपको वो बाइक दिखानी है। तो भाई बहुत बंदों के वहम भी दूर करने हैं, जो बंदे बोल रहे थे भाई कॉपी चल रहा है, तो भाई बता दूँ अगर ऐसी कॉपी कोई कर देगा या की है तो वो सब डाउट ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी आप खुद बता दो कि बाइक कैसी रेडी हुई है, तो चलते अपनी बाइक के पास। तो साथ मुझे पता आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो बाइक देखने के लिए, और बहुत बंदे ये सोच रहे थे कि बाइक जो मैंने पेंट करवाया तो बाइक वैसे रहने वाली है, तो भाई वैसे ही नहीं, जो उसके ऊपर ग्राफिक्स दिए हैं ना, तो आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। क्योंकि भाई मेरे को तो बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि अभी हम बाइक पे बहुत सारी रील्स वगैरह बनाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सरशिप की। मैं आपको एविएटर गेम के बारे में बताऊंगा। तो आप फोराबेट जो एक कस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे आप रजिस्टर करके खेल सकते हो, इजिली मनी जीत सकते हो। तो गाइस मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते थे कि इस गेम को खेल के कैसे मनी अर्न किया जा सकता है, और हाँ एविएटर गेम में विन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। देखिए मैंने 186 रुपये जीत लिए हैं, चलो एक बारी फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो गाइज मैंने इजिली 635 रुपये भी अर्न कर लिए हैं। तो गाइज यहाँ मैंने 10 मिनट गेम खेल के 1639 रुपये अर्न कर लिए हैं। गाइज कमाल की बात यह है कि आप इन पैसों को UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के द्वारा आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र इजिली कर सकते हो। गाइज अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इसको रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा 200 रुपये का बोनस। पेड किस चीज़ का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाओ। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर लोगों को बहुत अच्छी लगेगी बाइक, और इतना मैं ज़रूर बोल पाऊँगा कि 1 in Jammu ज़रूर होगी। तो अगर नहीं भी होगी तो बता देना है या नहीं। तो बाकी मुझे आप सब लोगों के ना ढेर सारे कमेंट्स है, इस बाइक पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और सच बोलूँ सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है V3 बोस की। तो ये बात बिल्कुल सच है, V3 बोस की बहुत मेहनत लगी है, वो 2 दिन पूरे दिन शॉप पे बैठे रहे हैं। फाइनली भी अपनी बाइक देख के आया हूँ, तो अपनी बाइक होगी रेडी। तो शदाब भाई से पूछ लेते हैं कि बाइक कैसी बनी है, भाई बता दो थोड़ा जोर से। ज्यादा सेक्सी, मतलब भाई मैं अपने राजा DC फैमिली को अच्छी लगेगी, बहुत ज्यादा तगड़ी पक्का। मतलब ऐसी RC जम्मू में तो नहीं है यार। अपना भाई भी बोल रहा है कि ऐसी RC जम्मू में नहीं है, तो आप सब सोच रहे होंगे अंकु भाई ने भी ये चीज़ बोली, इसके भाई ने भी ये चीज़ बोली। तो गाइज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बाइक देख के आप भी ये चीज़ जरूर बोलोगे, और बाइक लेगी इसके अंदर सामने। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने बाइक के लिए केक लेने। शफकत और जिद कर रहे हैं कि भाई केक वगैरह कट करेंगे फिर ही बाइक रिवील करेंगे। तो बाकी एक बात सच बोलता हूँ, इस बंदे की शफकत की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, ग्राफिक्स के पूरे 100% पॉइंट इस बंदे को जाते हैं, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है बाइक पे। तो अभी जाके पहले केक वगैरह ले आते हैं। तो गाइस चलते हैं पहले केक वगैरह ले लेते हैं। तो जैसे हमारी बाइक बॉम सी बनी है, केक भी हमारा भाई शदाब डिसाइड करेगा, पाइनएप्पल या चॉकलेट जो आप बोलोगे। V3 बोस को भी पूछ लीजिए आगे, V3 बोस बताओ केक ले आओ जो मर्जी है, जो मर्जी ले आओ। चलो गाइस केक चॉइस करके आपको बताता हूँ मैं। पूरी तैयारी हो चुकी है बाइक की, तैयारी हो चुकी है पूरी, मतलब जिस हिसाब से बाइक रिवील होने वाली है। तो केक V3 बोस के हाथ में, बाकी सामान जो शदाब ने अपनी मर्जी से लेना है वो ले रहा है। तो केक आराम से पकड़, शदाब हो रहा है, ख़राब हुआ तो फिर देख लेना। तो इधर से चलता है कि स्पीड ब्रेकर बहुत है, केक ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं अब सीधा बाइक के पास। तो मुझे पता आप सबने बाइक का बहुत वेट किया है, मैं कब से आपको खुद भी पता, मैं कब से मतलब बोल रहा था कि बाइक मॉडिफाई करवानी है। तो बस मेरे को ये चीज़ सुननी है आपको कि 1 in Jammu ये बाइक होगी, यस और नो बता देना। तो बाकी बहुत से बंदों ने थोड़ी बीच में बातें शातें करना स्टार्ट कर दी थी कि कॉपी चल रहा है कॉपी, तो आप खुद ही पता चलेगा क्या कॉपी तो क्या नहीं है कॉपी, तो आपको दिख जाएगा क्या है सब कुछ। तो भाई बोला था ना कि अलग बनाऊंगा, तो भाई बाइक देख लेना तो आपको खुद पता चल जाएगी बाइक अलग बनी है या नहीं। गाइस फाइनली आज वो दिन है जिस दिन हमारी टाइम टू रिवील है, बाइक हमारी रिवील हो जाएगी। तो V3 बोस की बहुत सारी मेहनत लगी हुई है, तो बाइक सच में बहुत बॉम्ब बनी है। तो आप खुद बोलोगे कि सही में 1 in Jammu है ही है। तो V3 मैं बोलता हूँ 1 in India। गाइस अगर आप खुद कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है बाइक, ऐसी आज तक आपने कोई बाइक देखी है पूरी जम्मू में, तो ऐसी मैं बोलता हूँ जम्मू में है ही नहीं ऐसी कोई। जितनी भी अपनी राजा DC फैमिली है सबके मुझे कमेंट चाहिए, क्योंकि देख लो इतनी मेहनत की है, इतने दिन लगे बाइक मॉडिफाई करने के लिए। 5K कमेंट चाहिए हमें, V3 बोस ने बोला 5K कमेंट चाहिए, तो देख लो कैसी लगी है बाइक। हाँ तो बॉम्ब बॉम्ब कमेंट्स करना। देखो अगर हमने आपके लिए इतनी सही बाइक मॉडिफाई करवाई है, तो आपका भी है कि आपको 5K कमेंट्स करने ही करने इस वीडियो पे, और कर देना जल्द से जल्द, ठीक है। और तो गाइस ये लगी हुई है अपनी RS 200
तो ये लगी अपनी आरसी रईस की, और ये लगी हुई है हायाबुजा, अभी आया जानू, और अभी भी एक दो दोस्त आ रहे, शैबी भी आ रहा है और भी भाई आ रहे, तो बाइक तो फाइनली अपना एक और भाई आ गया है, शैबी ब्रो। आपने इनके गाने तो सुने ही होंगे, और जिन्होंने नहीं सुनेंगे शैबी म्यूज़िक पे जाके सुन लो। तो अभी इनका वेट और था, बाकी सब यार दोस्त आ चुके हैं। ऐसा भी रिवील होने का टाइम हो गया, जितनी देर से हम वेट कर रहे थे सारे भाई अपने आ चुके हैं, तो सब भाइयों का वेट कर रहे थे। तो अभी बस वो टाइम आ गया जब हमने इसको रिवील करना और आपको बताना है कि इसकी कैसी लुक बनी है भाई की। बहुत वेट था सबको कि कैसे बनी है। तो भाई बता देना कैसी बनी है भाई की यार बॉम्ब। तो सीट वगैरह भी बनानी है, तो बाकी ये सब साथ में, तो केक वगैरह कट करेंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बॉम्ब लग रही, तो आप सब भी बताना कि यार कैसी बननी है बाइक पूरी। केक का गाइस देखो क्या हाल कर दिया यार। तो गाइस फाइनली रिवील हो गई है बाइक, तो बता देना भाई कैसी बनी है बाइक को। तो सच में बताना, बहुत बंदे पर थे कॉपी कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, तो बता देना क्या है। कोई बात नहीं भाई, मतलब शिवरिंग हो रही है हाथों में, देखो कैमरा भी हिल रहा है, इतनी बॉम्ब तरीके से। फाइनली बाइक बाहर निकलने वाली है, तो हम V3 बोस से ही बाहर निकलवाएंगे क्योंकि सारी मेहनत इनकी ही थी। तो गैस मैं शॉप का आपको बता देता हूँ जहाँ से मैंने पेंट वगैरह सब कुछ कराया, ये आप ऊपर सब देख लो, सिरेमिक प्रो से मैंने पेंटिंग वगैरह जो पेंट बाइक को कराया सब कुछ यहीं से करवाया, और भी बाइक के जो ग्राफिक्स थे तो ग्राफिक्स मैंने करवाए थे गुल्लू भाई से, ये रहे गुल्लू भाई, इन्होंने ग्राफिक्स कराए थे, इनकी शॉप घूमट में है, तो अगर किसी ने भी ऐसे ग्राफिक्स करवाने तो वो करवा सकता है। और जो जो पार्ट्स की फिटिंग थी तो ये मैंने कराए थे अतुल भाई से, इनको भी आप जानते होंगे अतुल भाई और नंदू भाई, ये फिटिंग और किसी से नहीं हो रही थी, इन भाई ने करके दी। तो अगर किसी को भी ऐसे पार्ट्स की फिटिंग करवानी होगी तो आप इनसे करवा सकते हो, और गुल्लू भाई से अगर आपको ऐसे ग्राफिक्स काम करवाना हो, हाँ, और भी किसी KTM कोई भी KTM के रिलेटेड काम कराना हो, जम्मू में फेमस यही है। तो गुल्लू भाई से अगर आप कोई भी ग्राफिक्स करवाने हैं तो घूमट जाना, आपका मैं लिंक दे दूंगा आपको, कि इन ब्रो ने भी हमारी बहुत हेल्प की है बाइक को पॉलिश वगैरह करने की। थैंक यू सो मच ब्रो, आप आओगे ब्लॉग में, ठीक है, थैंक यू। ओके पंकज भैया, थैंक यू, मैंने भी इधर आ सकता, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये भी इधर के ऑनर ही थे जिन्होंने सब कुछ कराया, तो ये सामने है, अगर किसी को भी पेंट वगैरह कुछ भी करवाना है तो आप यहाँ पे आके एक नंबर पेंट करवा सकते हो। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस चलते हैं और एक बार लुक देख लो आप बाइक की। तो फाइनली अपनी बाइक आ चुकी है, तो अब हम जाएंगे इसको सिदरा लेके, तो राइड करेंगे आज अपनी बाइक को, फाइनली मॉडिफिकेशन डन। शफकत भाई मेरा यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे अब कॉल लग गया है, तो अब तक रईस के साथ लड़ाई नहीं करनी, रईस लड़ाई होगी तो अब तक उतार देगा, अब ये बाइक बन गया अब अच्छा वाला। तो गाइस चलते हैं अपनी बाइक को लेके सिदरा और एक प्यारी सी राइड करके आते हैं, बहुत दिनों से अपनी 390 चलाई नहीं थी। गाइस हायाबुसा भी अपने साथ में है, आज मजा आने वाला राइड पे, हायाबुसा भी साथ में है, तो बाकी सब राइडर्स आ रहे हैं पीछे, तो निकलते हैं एक सिदरा की राइड के लिए। तो गैस मुझे बता देना कि भाई बाइक कैसी मॉडिफाई हुई है, आप सब बोलते हैं अंकू भाई बोलते हैं वन इन जम्मू, तो भाई ये वाली बाइक वन इन जम्मू के लायक है या नहीं, तो बता देना भाई, बहुत मेहनत किया। तो 5 के कमेंट आप सबको बोले हैं, तो भाई सबके कमेंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए, बेशक एक कमेंट ड्रॉप कर देना, बट मुझे सबके कमेंट्स चाहिए, जितनी मेरी राजा डीसी फैमिली है इतनी मेहनत की है। सब्सक्राइबर भाई मिल गया, पहले इनसे मिल लेते हैं। और कैसे हो भाई, ठीक हो? हेलो, कैसे? कोई बात नहीं, ओ भाई कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी जी जी, घर पे? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सच में ले लो फोटो, मतलब सच में अच्छी लग रही है ना? जम्मू में सबसे पहले ही बाइक देखी मैंने। ओके 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 ओके, आ जाओ भाई, कैसे हो?
ठीक हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके भाई, भाई सबको पूछा है तो सब यही बोल रहे हैं भाई जम्मू में पहली बाइक है जो मैं हमने ऐसी देखी है। तो भाई थैंक यू सो मच इतना मतलब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। तो राजा डीसी फैमिली मुझे आज आप सबसे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ और एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये रैपिंग का क्रेडिट सारा जो दिमाग में जो एक एक छोटी छोटी टेपिंग करवाई है ये सारा V3 बोस को जाता है। बाइक पर सारी मेहनत V3 बोस ने लगाई है। निकलते हैं बाइक के साथ, फ़ोटोज़ वगैरह हो रही हैं तो बहुत खुश है सब्सक्राइबर लोग अपने फ़ोटोज़ करवा के बाइक के साथ। और ये मेरा बहुत क्यूट सब्सक्राइबर, ये मुझे पहले भी मिला था यार। खींच लो, खींच ली बाइक के साथ। आओ आओ खिंचाओ, आप खिंचाओ बाइक के साथ, खींच उनकी बाइक के साथ पहले। बैठ ऊपर बैठो बैठो बैठो, कोई चक्कर नहीं। ओके ओके, मुझे तू बहुत क्यूट लगता है, बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट क्यूट सब्सक्राइबर है तू। लैपटॉप इतनी बहुत चला रहा है, मॉडिफाई करने के बाद वाली तो मैंने भी पाया थी शोरूम से, तो अभी शायद ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही चीज पकड़ी है मैंने हाथ में, क्योंकि एरोडायनामिक टाइप लुक दी है पूरी है, मतलब इसकी किट चेंज हुई है ना, पूरी प्यारी लग रही है। और कलर जो इसको मैंने पहले बहुत पहले, क्योंकि मेरी बाइक जो पहले थी इससे पहले उसका कलर भी सेम थोड़ा बहुत यही था, तो R15 जो मैंने पहले मॉडिफाई कराई थी। आप ब्लॉग करे थे आपके फेवरेट V3 बोस, तो अभी हम रईस की बाइक चलाएंगे, रईस ये टेस्ट करेगा, तो एक बार फिर से देख लो बाइक अच्छे से यार। मैं तो जितना देख रहा हूँ उतना मेरा मन नहीं भर रहा अभी तक देख देख के, तो बाइक पता नहीं क्या ही बना दी है यार, V3 बोस रहे यार बॉम्ब लग रही है यार। तो भाई जम्मू में सच में आपने ऐसी बाइक नहीं देखी होगी, तो देखने के लिए भाई बहुत मेहनत करवाई है भाई सब दोस्तों ने, तो सबसे ज़्यादा शफकत की मेहनत लगी है रईस, शहदाब, मैं। तो मैं बार बार आपको बस यही बोले जा रहा हूँ कि मेरे ख्याल से हमारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, तो हेलमेट इन्होंने हाथ में, हेलमेट पहनो पहले, अभी पहनो पहले हेलमेट पहनो, अभी पहनो, अभी मैं वीडियो में ले रहा हूँ आपको वीडियो, पहले हेलमेट पहनो फिर राइड करते हैं साथ में, चलो पहनो पहनो। हाँ अब ठीक है, चलो अब ठीक है, अब आ जाओ राइड पे। गाइस हेलमेट हाथ में पकड़ा हुआ है मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने, तो पहन नहीं रहे यार, थोड़ी रेस है तो आपके साथ करते हैं। ओ आ जा शेदाब के साथ रेस, चल निकल आगे। आरएस पे नहीं मान रहा गाइस हमें, ओ भाई हाइपर राइड होगी शराब के साथ, तो निकल ले तो गाइस जैसे कोई आगे। गाइस अभी बाइक्स वगैरह पे हम राइड करके आए हैं, तो अभी V3 बोस हमें पार्टी दे रहा है बाइक की खुशी में। थैंक यू सो मच, आप इतना करते हो मेरे लिए, आप जैसा भाई सबको मिले। तो चलते हैं अंदर, जब हम निकल रहे घर पे, थोड़ा बैठे हुए थे कुछ खाने पीने के लिए, पार्टी शार्टी दे रहे थे बाइक मॉडिफिकेशन की। बस अभी आ रहा है शिताब, बोलता सब ने चला ली, मैंने नहीं चलाई, मुझे भी चलानी है। तो नाइट में लुक दिखा देता हूँ बाइक की, नाइट में कैसे लग रही है। तो भाई सच बताना, लास्ट बारी पूछ रहा हूँ कि कैसे लग रही है, तो ढेर सारे कमेंट्स, तो ढेर सारे कमेंट्स करना है इस बाइक पे सारे, ठीक है। तो कैसे हो भाई? ओ भाई कैसे हो? बस ठीक भाई। हेलो, इधर वेट कर रहे थे? आपका वेट कर रहे थे। ओ ठीक, हाँ हाँ सुबह हो गए ब्लॉग में, सुबह हो गए। हाँ जी हाँ जी पक्का सुबह हो गए। तो गाइस अभी मैं जस्ट घर पहुंचा और सब्सक्राइबर बेचारे इधर रोड पे वेट कर रहे थे, और घर पे आज ताला लगा हुआ था, मम्मा कहीं पे गए हुए थे, तो बहुत से सब्सक्राइबर घर भी पहुंचे हुए थे। मुझे इधर के दोस्त बताते कि बहुत से लड़के आए हुए थे, भाई मतलब घर पे नहीं आया करो आप इतनी दूर से यार, कोई परमंडल मोड से कोई विजयपुर से आ जाता है भाई, आप अगर मेरे से मिलोगे भी नहीं तो आप चले जाओगे वापस, तो यार मुझे भी बुरा लगता है कि इतनी दूर से आप आए। तो यार ऐसे मतलब रैंडमली जब आप मेरे को मिलते हो ना तब मिल जाया करो, इतनी दूर से आके यार खज्जल होकर मत जाया करो, बहुत बुरा लगता है यार। तो बाकी
आज था फाइनली रिवील का व्लॉग। तो मुझे पता है आप सबको बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो सो गाइस अभी अपनी बाइक का काम चल रहा है यहाँ पे, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। रात होगी, आज भी पूरा दिन हमने व्लॉग वगैरह नहीं किया। गुल्लू भाई लगे और गुल्लू भाई का भी व्लॉग बन रहा है और आपने इनके 1K करवा दिया, 2K। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है यार। कितनी? बोल नहीं सकता। मतलब बताओ ना फिर भी यार, जिन सब्सक्राइबरों की थैंक यू कर दो उनका यार। थैंक यू सो मच ब्रो। ओ भाई गॉड। तो गाइस अभी देखो मैं जैसे भी दिखा देता हूँ आपको कितना काम हुआ है। तो ये बाइक अब कल ही रिवील होगी मंडे को। तो ये अपने सब दोस्त वगैरह आए हुए हैं, ये देख लो, पहले बाहर खड़े हुए थे सब। तो ये सारे अपने राजा DC के मेंबर हैं। तो बाकी ये सब बैठे हुए हैं, शफकत भी थ्री बॉस, और ये स्पेशली भाई शफकत को खाना, मतलब भूख लगी हुई थी, शफकत के लिए खाना लेके आए और हम सब के लिए भी लेके आए थे। पहले भी आए थे, दूसरी बार फिर से आए, और भी बड़े भाई और ये भाई भी सुबह से इधर वेट करें, इनकी बाइक अभी तक काम नहीं हुआ है, तो हमारी बाइक का ही वेट हो रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो सब जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट अपने अपने ड्रॉप कर देना। देखो इतनी अच्छी मॉडिफाई की आपके लिए बाइक मैंने। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।